ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष जमकर जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये पूरा बवाल कमलनाथ सरकार के परिसीमन को बदलने के कारण हुआ। उन्होंने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद अब ओबीसी को 27 नहीं बल्कि 14% आरक्षण मिलेगा और अब सरकार के कारण ये सब हुआ है। उन्होंने कहा कि 14% आरक्षण तो पहले से मिल रहा था। वहीं कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार की गलतियों के कारण अब 50% आरक्षण से चुनाव होंगे, ये सब आधी अधूरी जानकारी के कारण हुआ है। सरकार ने पहले अधिकार छीना और अब खुशी मनाई जा रही है। हमने 27% आरक्षण का कानून पास करके, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद शिवराज चौहान ने जो परिसीमन हमने किया था, इन्होंने नया अध्यादेश लाके परिसीमन को निरस्त करा दिया। ये सारा बवाल जो मचा है कमलनाथ जी की सरकार के परिसीमन को निरस्त करने का, जो अध्यादेश शिवराज चौहान लाए, उसी पे लोग कोर्ट में गए। हमारी मंशा साफ है कि 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक अधिकारों को मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन अभी जो निर्णय आया है उसमें 14% आरक्षण जो पूर्व से प्रदत्त है, और इसमें भाजपा अपना महिमा मंडन करा रही, बड़ा तीर मार दिया। आज मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का वो समझ गया है कि बीजेपी ने हमारे हितों पे कुठाराघात किया है, हमें अंधकार में रखा है, हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने दे रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था, आधी अधूरी जानकारी बार बार कोर्ट में देके और किस तरह से माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया, और आज जो निर्णय आया है जिसके लिए हम सुन रहे थे भाजपा के नेताओं का स्टेटमेंट, वो खुशी जाहिर कर रहे, उत्सव जाहिर कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा सही होती तो आपकी सरकार यहाँ पर 18 वर्षों से है, 15 वर्ष पहले थी और 2 साल ये भी पूरे हो गए हैं, और जिस तरह से आपकी लापरवाही का हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या किया। 1980 में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए रामजी महाजन आयोग का गठन कांग्रेस सरकार ने किया। 2003 में ओबीसी को 14% एवं 27% आरक्षण दिया गया, कांग्रेस सरकार ने दिया, और एक्ट भी जो बनाया पंचायती राज अधिनियम जो बना 93-94 में, और उसके बाद लगातार इस वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला।